जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पिकनिक चल रही है हमारी, तो फिलहाल आज अंताक्षरी खेलने का प्लान है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे, और जिसमें वैसे मेरा मूड नहीं है खेलने का क्योंकि मुझे आती नहीं है सब गेम खेलना, फिर भी जबरदस्ती लतिका दी बोलती है कि चलो खेलना है खेलना है, और साक्षी भी फोर्स करती है तो मैं खेल लेता हूँ। और होता ये कि मैं कुछ नहीं गाता, साक्षी मेरे लिए कुछ गाने गाती है, मैं देखता हूँ ठीक है कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बीच में आदित्य भांजी मार जाता है, वो उसके लिए बड़े प्यारे प्यारे गाने गा रहा है, और जिसे देख के मुझे जेलिसी फील होती है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है ना। और सो ऐसी कुछ सिचुएशन आपको देखने तो को ये मिली। आदित्य नाम का भूत, या कहे कि जो लेटर है वो आप लोग का पीछा यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहा है, पिकनिक तक पहुंच गया पिकनिक तक मतलब। पहुंच गया, बिकॉज अब तक उसकी सच्चाई घर में किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे और आदित्य लाइक साक्षी और माँ को पता है, और बिकॉज डैड उसे बहुत चाहते हैं, लाइक ही फील कि वो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है और हमारे बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाएगा, तो हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो वी स्टिल लाइक वेटिंग फॉर द टाइम कि कब एग्जैक्टली हम इसे किक आउट करें, लेट्स सी। तो यहाँ पे किस तरह का टशन दिखाई देगा, मतलब रोमांस का या वो टशन इस वक्त दो जगह दिखाई देगा, बिकॉज करण जो है साक्षी से भी नाराज है और आदित्य से तो है ही है, तो दोनों जगह थोड़ा सा उसे आप लोग देख सकेंगे कि वो कुछ नाराजगी उसकी नजर आएगी आपको। साक्षी के लिए जो गाना मैं साइलेंट पर कर दूँ, साक्षी के लिए जो गाना मैं डेडिकेट करना चाहूंगा वो ये है, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन।